बोर्डल टाउन वार्ड नंबर 77 पहुंची टैलेंट ऑफ इंडिया की टीम ने बात की भाजपा नेता हरित असडी से और जाना नगर निगम चुनाव की तैयारी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया मॉडल टाउन वार्ड नंबर 77। और आज हमारे साथ में भाजपा के जो झारू कर्मठ कार्यकर्ता हरीश असडी जी, उन्हीं से जानेंगे उनका राजनीति का क्या कुछ सफ़र है। सबसे पहले वही चीज़ जान लेते हैं। हरीश जी, सबसे पहले तो आपका जो है टैलेंट ऑफ इंडिया में स्वागत है, और हमारे दर्शक देख रहे हैं क्या कुछ आपका जो है राजनीति सफ़र है। योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा जो मेरा जो सफ़र है राजनीति का, मेरे परिवार से है। मेरे पिताजी श्री रामलाल असडी जी जो थे, वो सदर बाज़ार से निगम पार्षद रहे हैं। 30 साल लगातार उन्होंने क्षेत्र की जनता की सेवा की है, और उसके बाद मुझे भी पार्टी ने मौका दिया चुनाव लड़ने का। राणा प्रताप बाग से मैं सन 2002 में चुनाव लड़ा, और आज पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दे रखी है। मैं प्रभारी हूँ चांदनी चौक विधानसभा का। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। और इसके साथ साथ ये भी बात आ गई कि आपके परिवार में भी निगम पार्षद जो है काफ़ी से लंबे समय तक रही, और उसके बाद फिर आपने भी चुनाव लड़ा है। तो अब बात कर लेते हैं, दिल्ली के जो MCD चुनाव आ चुके हैं उस पर भी कुछ बात कर ली जाए। तो क्या कुछ जन आधार बचा पाएंगे अब बीजेपी? ऐसा है, बीजेपी पिछले 15 सालों से दिल्ली के अंदर सत्ता में है, नगर निगम की सत्ता में, और केजरीवाल 7 साल से दिल्ली की सत्ता में है। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से बहुत से वादे किए, और उसके बाद कुछ पैसा जो दिल्ली सरकार है वो दिल्ली नगर निगम को देती है दिल्ली की विकास की योजनाओं के लिए। परंतु केजरीवाल सरकार ने पिछले अपने 7 साल के शासनकाल में दिल्ली की नगर निगम को इतना तंग किया, तीनों नगर निगमों को, कि वो पैसा ही आज तक नहीं दे पाए। 13,500 करोड़ रुपया आज भी दिल्ली नगर निगम ने, नॉर्थ दिल्ली ने केजरीवाल सरकार से लेना है, जिसकी वजह से सारे काम जो है नगर निगम के वो ठप पड़े हैं। ये तो बात आ गई मजदूरों की, लेकिन बात कर ली जाए, जिस तरह आपने कहा 15 साल हो गए हमें दिल्ली के अंदर, तो ज़रा ये सोच कर देखिए कि 15 साल के अंदर MCD के अंदर जो बीजेपी रहते हुए दिल्ली को चमका क्यों नहीं पाई? हमेशा जहाँ देखो वहीं कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सब जगह यही हालात है। क्यों दिल्ली के अंदर जो 15 साल हमें हो गए नगर निगम के अंदर, दिल्ली का जो जितना विकास नगर निगम को करना था वो इस वजह से नहीं कर पाए क्योंकि दिल्ली के पास फंड नहीं है। फंड की कमी के कारण जो काम रुके हुए थे वो नहीं हुए। आज नगर निगम के अंदर अगर हम सफाई कर्मचारियों की, डॉक्टर्स की, नर्सिस की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है केजरीवाल सरकार, क्योंकि अगर वो पैसे टाइम पे दे दे तो ये सारा काम ही ख़त्म हो जाए। और इसलिए आगे आने वाले समय के अंदर जो है वो दिल्ली नगर निगम फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने जा रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर नगर निगम के अंदर जो काम भाजपा को करने चाहिए थे वो काम उन्होंने बाखूबी निभाए हैं। वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को जो साफ़ करने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं हम वापसी कर रहे हैं। अभी भी भाजपा ने 600 माली जो है वो रखे हैं दिल्ली नगर निगम ने, नॉर्थ दिल्ली में 600 माली, और पूरी दिल्ली के अंदर हर जगह जो है वो सफा इसको देख ध्यान में रखते हुए कि किस प्रकार से दिल्ली का विकास हो, दिल्ली के अंदर सौंदर्यकरण हो, दिल्ली का किस प्रकार से काम हो, इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन योजनाओं पे ही जो है दिल्ली नगर निगम अपना काम कर रही है, जिसकी वजह से दिल्ली नगर निगम फिर से सत्ता में आने के लिए तैयार बैठी है। हरीश जी, अगर बात की जाए, जनता जो है दिल्ली की, वोटर जो है बेचारे, वो जब देखो तब जो है हमेशा ठगे के ठगे रह जाते हैं। ऐसा वोटर तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि वोटर तो ठगा ही है, क्योंकि जब दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार बननी थी उन्होंने जनता से बहुत से वादे कर दिए, और वो झूठे वादे निकले। आज भी दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा पानी फ्री, पर पानी आता ही नहीं है। पानी आता नहीं तो फ्री क्या हुआ? उन्होंने कहा 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 200 यूनिट के बाद एक यूनिट भी फ्री अगर हो जाए तो 10 रुपये के हिसाब से कम उसके पैसे लग जाते हैं। उसके सर चार्ज इतने हैं बिजली के कि आप सोच नहीं सकते कि बिजली के कितने सर चार्ज हैं। और दिल्ली के अंदर कोई नया पुल नहीं बना, दिल्ली के अंदर कोई स्कूल नहीं बना, दिल्ली के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं बना, दिल्ली के अंदर सिर्फ शराब के ठेके खोल दिए गए। दिल्ली को शराब नगरी बनाकर दिल्ली की सरकार ने रख दिया, क्योंकि दिल्ली के अंदर आज आप जगह जगह चले जाएंगे, एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, एक के पेटी के साथ एक पेटी शराब की फ्री मिल रही है। मतलब वो पानी तो पिला नहीं सकते, पर दिल्ली की जनता को शराब पिलाने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया केजरीवाल ने।
तरह से आपने कहा शराब की बातें जो की हैं, अगर मैं बात करूं और शायद सभी लोग देख भी रहे हैं कि एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री दी जा रही है, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री दी जा रही है, इसके साथ साथ एक चीज़ और सबके दिमाग में कुर रही है, वो ये है कि एक कोरोना काल के अंदर, और कोरोना काल चल भी रहा है, ख़त्म भी नहीं हुआ अभी, क्योंकि अगर ख़त्म होगा तो सरकार साहब मना कर दे, अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हर गली हर चौराहे पर आप देखेंगे तो दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस के कर्मचारी छोड़े हुए हैं, और जो जो बिना मास्क के नजर आता है उसके तुरंत 2000 का चालान काट देते हैं, कोई गाड़ी में जा रहा है बेचारा इमरजेंसी में है जैसे भी है, अगर वो बिना मास्क के है और वो रोक लिया तो उसके 2000 का चालान काटेंगे, बिल्कुल नहीं तो उसकी बेइज्जती होगी। लेकिन जहां आप देखेंगे शराब के ठेकों पे ना 2 गज की दूर है ना मास्क जरूरी है, ऐसा है क्योंकि शराब के ठेकों से केजरीवाल को अरबों रुपया आ गया, वो सिर्फ पैसों की तरफ भाग रहे हैं इस समय, क्योंकि उन्हें पंजाब का चुनाव लड़ना है, यूपी का चुनाव लड़ना है, उत्तराखंड में चुनाव लड़ना है, उन्हें जगह जगह चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, जगह जगह उन्होंने अपने बोर्ड लगवाने हैं, एडवर्टाइजिंग करनी है, एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे चाहिए, वो ये देख रहे हैं कि पैसा आना चाहिए, वो चाहे ठेकों के सामने भीड़ लगा के वही एडवर्टाइजमेंट, वो भी उनकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है कि ठेके के सामने खड़े लोग इतने हज़ारों आदमी खड़े हैं पर वहाँ ना मास्क है ना उनकी कोई 2 गज की दूरी है, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है, ना सैनिटाइज़र है, पर लोग खड़े हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, शराब लें, शराब खरीदें। अभी कल की बात है, मैं लालबाग के अंदर कल था, एक परिवार के अंदर गया, बेचारी उनकी वाइफ रो रही थी, मैंने कहा बहन जी क्या हो गया, रो क्यों रहे हो, वो बोली भाई साहब क्या करूँ, कल ही तनख्वाह लाए थे ये 15,000 रुपये, और 15,000 की शराब ले आए पूरी, और घर पे इन्होंने एक रुपया भी नहीं दिया, क्योंकि ये बोल रहे हैं 15,000 रुपये की शराब जो है 30,000 की शराब 15 में मिल रही है, इसलिए मैं 30,000 वाली शराब 15 में ले आया हूँ। अब शराब ये पियेंगे, बच्चे रोटी कहाँ से खाएंगे, दूध कहाँ से पियेंगे, मतलब दिल्ली के लोग इतने बेहाल हैं, दिल्ली की महिलाएं इतनी परेशान हैं, आज भी दिल्ली की महिलाएं सोच कर बैठी हैं कि चुनाव कब आए और कब इसको केजरीवाल को सबक सिखाएं। चलिए देखते हैं हरीश जी, आप लोग कितना इसमें बैकअप कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि दिल्ली की जनता हर बार वही बात हो जाती है कि ठगी की ठगी रह जाती है। अब अगर केजरीवाल जो है फ्री पानी फ्री बिजली बोलकर आए थे, और उसके बाद जो अब उन्होंने कह दिया के साथ एक बोतल फ्री, यानी ये भी देखो कमाल की बात कि पानी बिजली फ्री दारू भी फ्री, ये तो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया ना, ये मतलब मैं तो हैरान हूँ कि किस प्रकार से सरकार चल रही है, कितनी मतलब बेशरम है, केजरीवाल खुद सरकार तो है ही, दूध की थैली कोई फ्री नहीं करता, दूध की थैली फ्री नहीं है, शराब की बोतल फ्री है, शराब की थैली फ्री है, वो चाहते हैं चुनाव से पहले पहले लोग अपने घरों में शराब भर लें, अब होली आने वाली है, होली में कितने झगड़े होंगे इसी शराब के चक्कर में, आप देखना। चलिए देखेंगे, और ये भी देखेंगे दर्शक हमारे भी कि आखिरकार जहाँ कोई भी सरकार दूध के साथ दूध फ्री नहीं दे रही है, दूध पर 2 रुपये कम नहीं कर रही है, लेकिन शराब के साथ शराब की एक बोतल फ्री दे रही है, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री दे रही है, तो ये क्या है, किस तरह की राजनीति है ये, आखिरकार जा कहाँ रहे हैं, जा क्या रहे हैं, ये जनता को स्वयं सोचना होगा, क्योंकि नेता तो आएंगे बरगलाएंगे वोट लेंगे और चले जाएंगे, उसके बाद आप इंतज़ार करेंगे 5 साल का, सावधान हो जाएं, चुनाव आ रहा है, अपना वोट संभाल कर दें। टैलेंट ऑफ इंडिया हमेशा यही आप लोगों से कहेगा कि नशे की तरफ तो बिल्कुल ही ना जाएं, क्योंकि नशा आज आप करेंगे कल आपके बच्चे करेंगे, सोच कर देखिए घर का क्या माहौल होगा, उससे अंधकार में जीवन को बचाइए जो आने वाला समय आपके लिए लेकर आ रहा है, नहीं तो पछताएंगे और ये समय दोबारा नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी आपका, आपने समय दिया हमें, आपका बहुत धन्यवाद योगी जी, आपके टैलेंट चैनल का भी बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे यहाँ पर आने का और सेवा का मौका दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।